हेलो एवरीवन वेलकम टू अ क्लास ऑफ कॉस अकाउंटिंग टॉपिक इज प्रोसेस कॉस्टिंग टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेवन दैट मींस लेक्चर नंबर एट प्रीवियस वीडियो प्लीज चेक द आई बटन स्पेशली लेक्चर नंबर वन फॉर इंट्रोडक्शन ठीक है आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में स्पेशल इसमें नॉर्मल लॉस के साथ हमें वेट लॉस भी करना है हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कंपनी के अंदर दो तरह के लॉस होते हैं एक लॉस जो फिज़िकल नज़र आता है जैसे बंगार हो गया स्क्रैप हो गया या चीज़ें खराब हो गई तो नॉर्मल लॉस में आता है और कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम वेट लॉस कहते हैं जो धुएँ में उड़ जाता है इवैपोरेट हो जाता है जिसके लिए आपका यूनिट तो कम होता ही है मगर उसका कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं मिलता है जैसे भंगार है स्क्रैप है नॉर्मल लॉस कंसिडर करेंगे उसको कम भाव में हम बेच सकते हमें कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा मगर वेट लॉस होता है तो हमें कुछ भी पैसा मिलता नहीं है हां यूनिट जरूर कम होता है तो आज के वीडियो में ये स्पेशल है बच्चों इसको ध्यान से देखना सो क्वेश्चन नंबर सेवन प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पास थ्रू टू प्रोसेस यहां पे दो ही प्रोसेस लिए है ए और बी एंड देन लास्ट में फिनिश स्टॉक अकाउंट में जाएगा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन प्रोसेस ए और बी है रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस देखो अभी दोनों में रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस है ध्यान देना इसको और दोनों ही डेबिट में आएगा और यूनिट है ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस पर यूनिट अभी इनका रेट दिया हुआ है सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट मिल जाएगा वेजेस और मटेरियल और मशीन और डायरेक्ट और अदर और इनडायरेक्ट यानी यहाँ तक पूरा डेबिट एंट्री है फिर नॉर्मल लॉस इन वेट और नॉर्मल लॉस देखो दोनों दिया हुआ है वेट भी परसेंटेज में है और नॉर्मल लॉस भी परसेंटेज में तो दोनों ही एक्चुअली हमारे लिए नॉर्मल लॉस ही है वेट लॉस का आपको अमाउंट नहीं लिखना है सिर्फ यूनिट लिखना है और नॉर्मल लॉस का तो आपको यूनिट भी लिखना है और अमाउंट भी लिखना है नीचे आपको दिया हुआ है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप यानी नॉर्मल लॉस का रेट दिया हुआ है थोड़ा सा ट्विस्ट किया है उसने बच्चों पर टेन यूनिट और हमको चाहिए रहता है वन यूनिट तो टेन यूनिट का आठ सौ तो एक यूनिट का अस्सी इसको समझना सेम वे यहाँ पे भी कितना लेंगे हम लोग दो सौ हम इसको वन यूनिट में कन्वर्ट करके लेंगे और फिर एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है आपका आठ हजार तीन सौ और सात आठ सौ इसको कंपेयर करके आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ढूंढना है और आपको क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं दो प्रोसेस बनेंगे एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनेगा तो होप्सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा बच्चों और ये आउटपुट का जो आपको कंपैरिजन करना है ढूंढना है नॉर्मल लॉस नॉर्मल गेन तो उसके लिए ये आपको टेबल याद होना चाहिए जैसे नॉर्मल uh, लॉस या वेट लॉस जो भी रहेगा वो परसेंटेज रहेगा किसका इनपुट का फिर नॉर्मल आउटपुट ढूंढना है तो नॉर्मल लॉस जो आएगा आपका वो उसको इनपुट से माइनस करेंगे तो नॉर्मल आउटपुट आएगा और फिर कंपेयर करना है नॉर्मल लॉस बड़ा है तो एबनॉर्मल लॉस कहेंगे एक्चुअल आउटपुट बड़ा है तो एबनॉर्मल गेन कहेंगे तो ये चीजें हैं तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बच्चों तो पहला प्रोसेस ए बनाएंगे प्रोसेस बी तो ए में सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं टेन थाउजेंड और वन ट्वेंटी फाइव का इट कम्स टू ट्वेल्व लैक फिफ्टी थाउजेंड फिर आपका वेजेस मशीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल तक पूरा लिखना है आपको फुल फॉर्म लिखना बच्चों शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना तो पूरा हमने कॉपी कर दिया डेबिट में अब निकालेंगे नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस में यहाँ पे दो कैटेगरी है हर सब में हम सिर्फ नॉर्मल लॉस निकालते थे मगर यहाँ पे वेट लॉस भी है और वेट लॉस उन्होंने फाइव परसेंट का है तो इनपुट का दस हज़ार का फाइव परसेंट पाँच सौ इसका ना ही रेट आएगा ना ही कॉस्ट आएगा इवैव हो गया धुआं हो गया तो उसका तो कोई अमाउंट मिलेगा ही नहीं आपको फिर नॉर्मल लॉस लिखेंगे एज इट इज जो कि टेन परसेंट है तो अगेन दस हजार का टेन परसेंट एक हजार और नॉर्मल लॉस का रेट दिया हुआ है अस्सी हा दस दिया था इसको मैं वन यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं आठ सौ डिवाइड बाई टेन तो अस्सी आया तो हजार इंटू अस्सी अस्सी हजार और इसके बाद क्या करते हैं बच्चों हम लोग कंपेयर करते हैं नॉर्मल आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से तो सबसे पहले नॉर्मल आउटपुट निकालना पड़ेगा आपको तो का नॉर्मल आउटपुट इनपुट यानी दस हजार को डेढ़ हजार से माइनस करना ये याद रखना वेट लॉस यूनिट में तो है ना आपका क्वांटिटी तो कम हो रही है तो वो तो कंसिडर करना पड़ेगा तो दस हजार को डेढ़ हजार से माइनस करना तो साढ़े आठ हजार नॉर्मल आउटपुट आ गया तो आप क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल आउटपुट से कितना आ रहा है आपका नॉर्मल आउटपुट बड़ा है यानी इसको कहेंगे नॉर्मल लॉस और बच्चों एब्नॉर्मल लॉस कहाँ आता है डेबिट में और डिफरेंस लिखना याद रखे आठ हज़ार पाँच सौ को आठ हज़ार तीन सौ से माइनस करके अब इसका रेट चाहिए तो रेट का फॉर्मूला होप सो को याद हो गया रहेगा अब तक ये सारे डेबिट को नॉर्मल लॉस के क्रेडिट से माइनस करना सेम वे इनपुट यूनिट को नॉर्मल लॉस के यूनिट से माइनस करना और फिर एंड में दोनों को डिवाइड करना तो ये हो गया वन लाख सिक्सटी वन और अस्सी तो है ही ये, और ये दस हजार और डेढ़ हजार दोनों माइनस करके वन फिफ्टी थ्री एट्टी फाइव या दोनों डिवाइड करें तो इट कम्स टू वन एट्टी तो यहाँ रेट लग गया हमारा एक सौ अस्सी तो दो सौ इन टू वन एट्टी कितना है बच्चों थर्टी सिक्स थाउजेंड तो अब क्या करेंगे क्लोज करके करें ट्रांसफर कर लेते हैं प्रोसेस बी में तो ये इंपॉर्टेंट है वेट लॉस का अगर कभी आता है तो यूनिट कंसीडर करें रेट और अमाउंट ना लिखें तो बट ऑब्वियस इसका डेबिट ही बड़ा है दोनों साइड डेबिट का टोटल लिख लेते हैं और क्रेडिट से माइनस करके लिख लेते हैं दस हजार में से सत्रह सौ माइनस करो तो कितना आया आठ हजार तीन सौ और ट्रांसफर का रेट भी यही लगता है मगर इसको मल्टीप्लाई मत करो आप सिंपली वन लैख सिक्सटी वन में से एट नाइन टेन लेवन यानी एक लाख सोलह हजार को माइनस कर दो तो ये फिगर आ गया आपका फोर्टीन नाइन्टी फोर फिर अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस बी में एज अ इनपुट आया आपका अभी क्या करेंगे इसके भी एक्सपेंस ले लेते हैं आपके और एक चीज़ है यहाँ पे स्पेशल कि बी का भी इनपुट अलग से दिया है तो इसको हम एडिशनल इनपुट कहेंगे 700 सौ इंटू तो एडिशनल इनपुट 700 सौ इंटू दो सौ अब सारे एक्सपेंस लिख लेते हैं वेजेस से लेके इनडायरेक्ट मटेरियल सारे एक्सपेंस डेबिट में नॉर्मल लॉस और वेट लॉस निकालना है तो पहला वेट लॉस निकालते हैं फाइव परसेंट अब आपका यूनिट एक्चुअली पूरा है नौ हज़ार इसको समझना इसीलिए जानबूझ के उसने सात सौ एक्स्ट्रा दिया हुआ है नॉर्मली हर समय से भी ये इनपुट नेक्स्ट प्रोसेस से आ जाता है तो ये सब एक्स्ट्रा दिया बिकॉज ऑफ दैट वेट लॉस और नॉर्मल लॉस क्योंकि परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं तो यही कंसिडर करते हैं हम लोग मगर आपको ध्यान देना इनपुट हुआ है तो ये दोनों यूनिट मिला के नौ हज़ार बना तो नौ हजार का फाइव परसेंट साढ़े चार सौ और उसी तरह से नौ हजार का टेन परसेंट नौ सौ और नौ सौ का तो रेट है हमारे पास दो सौ लेना है बच्चों दस दस जीरो जीरो कट होगा दस नहीं लेना एक यूनिट कंसिडर करना तो ये दो सौ ही हुआ तो नौ सौ इंटू दो सौ एक लाख अस्सी हजार अब आपको सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन ढूंढना है तो उसके लिए नॉर्मल आउटपुट चाहिए सिंपल है इनपुट को नॉर्मल लॉस से माइनस करेंगे ये 9000 है और ये 1350 है तो अभी बी का कैलकुलेशन कर लेते हैं 9000 और 1350 तो डिफरेंस आया 7650 का अब इसको कंपेयर कर लो तो आपका एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे अब बड़ा हो रहा है तो यानी यहाँ पे नॉर्मल गेन हो रहा है और गेन कहाँ लिखते हैं अपन डेबिट में और डिफरेंस लिखना है आपको तो डिफरेंस कितना आया 150 का अब इसका रेट चाहिए तो रेट का फॉर्मूला तो पता ही आपको डेबिट का क्रेडिट से माइनस करेंगे वापिस से नौ हजार को तेरह पचास से माइनस करेंगे और दोनों को एंड में डिवाइड करना दोनों को एंड में डिवाइड करना ये हमेशा याद रखें तो आपका रेट आता है दो सौ दस का तो दो सौ दस इन वन फिफ्टी थर्टी वन फाइव हंड्रेड और लास्ट में क्लोज करते हैं डेबिट डी साइड बड़ा है आपका ये तो नौ हजार है और ये वन फिफ्टी नाइन वन फाइव जीरो और ये पूरा प्लस नहीं करना ऑलरेडी किया है हमने वन सेवेंटी एट सिक्स फाइव डबल जीरो तो इसमें सिंपली थर्टी वन फाइव हंड्रेड कर दो तो आ गया आपका एटीन एटीन ट्रिपल ज़ीरो अब इसको माइनस कर दो नाइन वन फाइव जीरो को तेरह सौ पचास से माइनस कर दें और रेट दो सौ दस का ही रहता है इसका हमेशा और ये आ गया सोलह थर्टी एट ट्रिपल ज़ीरो आखिरी प्रोसेस है तो आपको ट्रांसफ़र नहीं लिखना है इसको लिखना है फिनिश स्टॉक अकाउंट तो होप्सो प्रोसेस अकाउंट समझ में आ रहेगा इसमें वेट लॉस इंपॉर्टेंट है याद रखें वेट लॉस का ना ही रेट रहेगा ना ही अमाउंट रहेगा अब बना लेते हैं अपना एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस लेते हैं प्रोसेस ए में आया है क्रेडिट साइट तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे डेबिट साइट और इसको बेच देना होता है एबनॉर्मल लॉस को डायरेक्ट बेचना होता है मगर यूनिट तो 200 रहेगा रेट याद रखना नॉर्मल लॉस का रेट लगेगा यानी 80 का रेट लगेगा यह चीज को समझना है आपको तो 200 सो इन एट्टी यूनिट विल रिमेन सेम बट रेट किसका लगेगा नॉर्मल लॉस का और फिर जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा कॉस्टिंग पी एन एल में बट ऑब्वियस डेबिट बड़ा है तो डेबिट से क्रेडिट को माइनस करो यूनिट टू तो टैली हो रहा है मगर डिफरेंस अमाउंट में आ रहा है वो अमाउंट का डिफरेंस जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में बीस हजार ठीक है जब आप कॉस्टिंग पीएनएल बनाएंगे तो वो वहाँ पर आप डेबिट साइड लिखोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर एट में कॉस्टिंग पीएनएल के साथ करेंगे तो वो वीडियो ध्यान से देखना आपका तो अभी एबनॉर्मल गेन देख लेते हैं बी में हुआ था एबनॉर्मल गेन डेबिट में है वन फिफ्टी टू टैन थर्टी वन फाइव हंड्रेड तो ये डेबिट वाला लिखेंगे क्रेडिट में और इसको बेचना नहीं होता है गेन का इसको लिखना होता है नॉर्मल लॉस या फंडा वही है वन फिफ्टी यूनिट विल रिमेन सेम रेट लगेगा नॉर्मल लॉस का यानी दो सौ का तो वन फिफ्टी इंटू टू हंड्रेड इट कम्स टू थर्टी थाउजेंड और फिर बाद में इसको क्लोज कर दो यूनिट तो टैली हो रहा है डिफरेंस आएगा अमाउंट कॉलम में और डिफरेंस आता है आपका 1500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ का भी डिफरेंस कॉस्टिंग पी एन एल में यहाँ का भी डिफरेंस कॉस्टिंग पी एन एल में तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर सेवन किया इंपॉर्टेंट था हमारा बच्चों इसके अंदर वेट लॉस है इसको समझाना था परसेंटेज रहेगा तो सिर्फ यूनिट निकालना रेट और अमाउंट कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये धुआं होगा ये वैप हो गया तो इस सब चीज़ की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हाँ यूनिट कम होता वो ज़रूर है तो इसको ध्यान दें तो होप सो क्वेश्चन नंबर सेवन क्लियर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर एट जिसको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका और इसके अंदर हम कॉस्टिंग पी अकाउंट भी बनाएंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गॉड ब्लेस यू